सर्दियों में गोभी की सिंपल सब्जी खा के बोर हो गए हैं, तो चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं एक नए तरीके से गोभी की सब्जी। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें एक चम्मच तेल डाल के गर्म करेंगे, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालें और 1 कप गोभी डाल के इसे भून लेंगे। गोभी को मैंने गर्म पानी में सिरका और नमक के साथ 10 मिनट छोड़ दिया था, जिससे उसके कीड़े और गंदगी साफ हो जाए। फिर उसे गर्म पानी से साफ कर लिया था। अब इसमें 2 मीडियम साइज के आलू काट के डाले हैं, इसे भी हम गोभी के साथ भून लेंगे। अब इसमें अब हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, जिससे आलू और गोभी जल्दी पक जाए। अब मीडियम आंच पर इसे ढककर हम पकने देंगे। जब तक हमारे गोभी आलू भून रहे हैं, तब तक हम प्योरी बनाते हैं। एक मिक्सर जार में मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है, 1 मीडियम साइज प्याज लिया है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 4 से 6 लहसुन की कलियां ली। इन्हें पीस कर इसकी प्यूरी बना लेते हैं। गोभी आलू चेक करते हैं। ये देखिए, गोभी आलू भी हमारे हो गए हैं। अब इन्हें तेज आंच पर 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेते हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 1/2 चम्मच तेल गरम करेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे भून लेंगे और जो हमने प्योरी बनाई है उसे डाल के पका लेते हैं। देखिए, इसको अब आंच तेज करके पका लेंगे। हमारे प्योरी में उबाल आ गया है। इस स्टेज पर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, लेकिन ये ध्यान रखें कि हमने नमक गोभी और आलू को भूनते समय भी डाला है। इसे ढक के हमने 2 मिनट पका लिया था। देखिए, मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब हम इस स्टेज पर गैस की आंच तेज करके इसे भून लेते हैं। ये 2 मिनट भूनने के बाद हमारा मसाला तैयार है। अब इसे हम सूखे मसाले डालते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काला नमक। इस सब मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, जिससे मसाले अच्छे से पक जाए। गैस की आंच मीडियम रखें। देखिए, अच्छे से उबाल आ गया है। इस स्टेज पर हम भुने हुए गोभी आलू को मसाले में डालते हैं और अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि पूरा मसाला गोभी आलू को कवर कर ले। गोभी चेक करते हैं एक बार। देखिए, हमारी गोभी थोड़ी सी ही कच्ची रह गई है। अब इस स्टेज पर हम लगभग 2 टीस्पून पानी डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे और ढक के 5 मिनट पकने देंगे। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे चला लेते हैं, चेक कर लेते हैं। और गोभी, ये देखिए, परफेक्ट। हमें ऐसे क्रंची गोभी ही चाहिए। हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसमें ताज़ा हरा धनिया डालेंगे और चला लेते हैं। गैस बंद करेंगे और सब्जी को सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तैयार है आपकी गोभी आलू की नए तरीके से सब्जी। हरे धनिया से गार्निश करें और पराठा या रोटी के साथ एंजॉय करें। थैंक यू।